मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलाइजा होता है। एलाइजा बोल नहीं पाती है क्योंकि बचपन में एलाइजा के गले से किसी ने वॉइस बॉक्स को निकाल लिया था और उसे समुन्द्र के किनारे फेंक दिया था, इसलिए एलाइजा अनाथ भी होती है। तो एलाइजा काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और नाश्ता लेकर पड़ोस के कमरे में जाती है, जहां हम देखते हैं एक आदमी को जो पेंटिंग बनाता है जिसका नाम चाइल्ज है। तो एलाइजा इशारों से चाइल्ज को खाने के लिए कहती है और चाइल्ज से कुछ देर इशारों से बातचीत करती है, क्योंकि एलाइजा चाइल्ज को ही अपना परिवार मानती है, और फिर वहां से काम पर चली जाती है। एलाइजा एक बहुत बड़ी सरकारी लैब में साफ सफाई का काम करती है, जहां हम देखते हैं एक जेल्डा नाम की लड़की को जो एलाइजा की दोस्त होती है और दोनों एक साथ ही काम करती है। तो दोनों एक कमरे की सफाई करने के लिए अंदर जाते हैं जहां बहुत लोग होते हैं, जिनमें से एक सीनियर आदमी सब लोगों से कहते हैं कि आज यहां एक नई टीम आने वाली है एक खुफिया चीज को लेकर। तभी वहां एक काला कोट वाला आदमी जिसका नाम एसलेंट है, वो अपने टीम के साथ एक टैंक को लेकर अंदर आता है और फिर एसलेंट वहां के सीनियर आदमी से बातचीत करता है। इसी बीच एलाइजा उस टैंक में लगी शीशे से अंदर देखने की कोशिश करती है, तभी एकदम से पानी के अंदर से किसी का हाथ निकलता है, जिसे देखकर एलाइजा बहुत डर जाती है, जिससे सीनियर आदमी उन दोनों को बाहर जाने को कहता है। तो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, एलाइजा और चाइल्ड कुछ खाते हैं और आपस में बहुत देर तक बातचीत करते हैं। फिर रात होती है और एलाइजा तैयार होकर नाइट शिफ्ट काम पर जाती है, जहां जाके जेल्डा के साथ टॉयलेट की सफाई करती है। तभी वहां एसलेंट एक छड़ी को लेकर टॉयलेट करने आता है। एसलेंट को देखकर एलाइजा और जेल्डा टॉयलेट से बाहर जाने ही वाले होते हैं, मगर एसलेंट दोनों को बाहर जाने से मना करता है और सफाई को जारी रखने को कहता है। फिर एसलेंट छड़ी को रखकर टॉयलेट करता है। फिर एलाइजा छड़ी को पकड़ने ही वाली होती है, तो एसलेंट एलाइजा को छड़ी पकड़ने से मना करता है। एसलेंट कहता है, इससे तुम्हें करंट लग सकती है, ये चीज बहुत नायाब है, इससे जानवरों को शांत किया जाता है। फिर एसलेंट वहां से बाहर चला जाता है। फिर एलाइजा और जेल्डा बाहर की सफाई करते हैं, तो उन दोनों को उसी कमरे से जोर जोर से किसी चीज की आवाज आती है, जिस कमरे में एसलेंट टैंक में किसी चीज को लेकर आया था। तभी एसलेंट खून से लथपथ उसी कमरे से बाहर आता है, जिसे देखकर एलाइजा और जेल्डा डरकर वहां से चले जाते हैं और बाकी के लोग एसलेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। फिर सीनियर आदमी एलाइजा और जेल्डा को उसी रूम की सफाई करने के लिए लेकर आता है और दोनों से कहता है, जल्दी से जल्दी इन खून की धब्बों को सफा करो, ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर एलाइजा और जेल्डा रूम की सफाई करनी चालू करते हैं, तभी एलाइजा को दो कटी हुई उंगली मिलती है, जो कि एसलेंट का होता है, जिसे देखकर जेल्डा किसी को बुलाने जाती है। फिर एलाइजा एक शीशे के टैंक के पास जाती है और देखती है एक अनोखी जीव को जो पानी के अंदर तैर रहा है, जो कुछ कुछ इंसानों की तरह है। तभी सीनियर आदमी आता है और एलाइजा वहां से हट जाती है और उन उंगलियों को सीनियर आदमी को देती है। फिर एलाइजा घर आकर चाइल्ड को उस जीव के बारे में बताती है और फिर एलाइजा दूसरी रात काम पर जाती है और उसी कमरे में छुपकर जाती है जहां उसने उस जीप को देखा था। तो एलाइजा उस जीप के पास जाती है और उस जीप के सामने एक अंडा रख देती है और इशारों से उस जीप को खाने के लिए कहती है, तो वो जीप अंडे को ले लेता है और पानी के अंदर चला जाता है। फिर एलाइजा खुश होकर बाहर आती है, जहां उसको जेल्डा दिखती है। तो जेल्डा एलाइजा से कहती है कि हम दोनों को एसलेंट सर ने ऑफिस में बुलाया है। तो दोनों वहां से ऑफिस जाते हैं। फिर एसलेंट इन दोनों की आईडी प्रूफ देखता है और दोनों से कहता है, उस कमरे की सफाई करो और वहां से तुरंत निकल जाओ, हमने जो चीज बाहर रखी है वो बहुत खतरनाक चीज है, जिसे मैंने साउथ अमेरिका की नदी से पकड़कर लेके आया, जिसने मेरी उंगलियों को भी चबा डाला, ये कहकर एसलेंट उन दोनों को जाने देता है। फिर हम उसी जीप को देखते हैं, जो अब अंडे की छिलके को पकड़कर देखता है और एलाइजा की कॉपी करता है। और फिर एलाइजा दूसरी रात उसी कमरे की सफाई करती है, जहां तीन डॉक्टर कुछ काम करते हैं। फिर काम खत्म होने पर वो सब डॉक्टर उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर एलाइजा एक म्यूजिक बॉक्स निकालती है, जो घर से छुपा कर लेके आई थी। फिर एलाइजा उस जीप के पास जाती है और उस जीप को फिर से एक अंडा खाने के लिए देती है और म्यूजिक बॉक्स से उस जीप को गाना भी सुनाती है, जिससे अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर एलाइजा रोज काम पर जाके छुपकर उसी जीप से मिलती है, जिससे एलाइजा बहुत खुश रहने लगती है। और एक रात एक डॉक्टर एलाइजा को उसी जीप के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है, जिसका नाम हॉस्टिटलर है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर हॉस्टिटलर किसी अनजान आदमी से मिलता है और लैब में रखी जीप के बारे में उस आदमी को बताता है।
फिर एलाइजा एक रात फिर से छुपकर उसी जीव से मिलने और उसके खाने के लिए अंडे लेकर जाती है। तो वहाँ देखती है वो जीव अब पानी से बाहर जंजीर से बंधा हुआ है और उसके शरीर से खून भी निकल रहा है, जिसे देखकर एलाइजा बहुत घबरा जाती है। तभी उसी कमरे में एसलैंड आ जाता है और एलाइजा एसलैंड को देखकर छुप जाती है। फिर एसलैंड अपनी छड़ी से उस जीव के साथ टॉर्चर करता है और तभी वहाँ डॉक्टर हॉस्टिटलर और एक जनरल ऑफिसर कुछ लोगों के साथ उस कमरे में आते हैं और उस जीव को देखते हैं। तभी डॉक्टर हॉस्टिटलर एक बार फिर से एलाइजा को देख लेता है, मगर किसी को कुछ भी नहीं बताता है। फिर एसलैंड ऑफिसर से कहता है, ये जीव पानी के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी। इस जीव से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है अगर इस जीव को हम काट कर देखेंगे तो, जिसे हम लोग युद्ध के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर हॉस्टिटलर जनरल ऑफिसर से कहता है कि आप किसी भी हाल में इस जीव को नहीं मार सकते हैं। तो ऑफिसर डॉक्टर हॉस्टिटलर को जवाब देता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और एलाइजा ये सब बातचीत सुनकर बहुत टेंशन में पड़ जाती है और घर जाके चाइल्ड को भी ये सब बातचीत बताती है और उस जीव को उस जगह से निकाल कर उसे बचाने के लिए चाइल्ड से कहती है। लेकिन चाइल्ड मना करता है और कहता है कि ये कानून तोड़ना होगा, वैसे भी वो एक जीव है तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। फिर एलाइजा कहती है कि वो जीव मेरा दोस्त है जो मुझे इंसानों की तरह समझ सकता है, इसलिए मैं उसे ऐसे ही नहीं मरने दे सकता। मगर फिर भी चाइल्ड नहीं मानता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर चाइल्ड किसी रेस्टोरेंट में एक लड़के से बातचीत करता है, जिससे चाइल्ड को समझ में आ जाता है कि उसे एलाइजा की मदद करनी चाहिए। तभी चाइल्ड घर जाता है और उस जीव की मदद करने के लिए एलाइजा से हाँ कहता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डॉक्टर हॉस्टिटलर, जो फिर से उसी अनजान आदमी से मिलता है और उस जीव के ऑपरेशन के बारे में अनजान आदमी को बताता है। फिर अनजान आदमी डॉक्टर हॉस्टिटलर से कहता है कि उसके ऑपरेशन होने से पहले वो मुझे चाहिए। दरअसल ये अनजान आदमी रूस देश का होता है और अमेरिका सरकार की जानकारी हासिल करना चाहता है, इसलिए डॉक्टर हॉस्टिटलर को उस जीव को लैब से निकाल कर अपने पास लेकर आने को कहता है। इधर एलाइजा और चाइल्ड भी उस जीव को लैब से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं और लैब में घुसने के लिए चाइल्ड नकली आईडी बनाता है। फिर दूसरी रात डॉक्टर हॉस्टिटलर एसलैंड के पास जाकर उस जीव को ना मारने की और एसलैंड को समझाने की कोशिश करता है। तभी हॉस्टिटलर सीसीटीवी में देखता है कि कोई कैमरे को ऊपर कर रहा है। फिर हॉस्टिटलर ऑफिस से बाहर जाके कैमरे को देखता है, जिससे हॉस्टिटलर समझ जाता है कि ये सब एलाइजा कर रही है उस जीव को लैब से बाहर निकालने के लिए। फिर हॉस्टिटलर उस कमरे में जाता है जहां एलाइजा उस जीव के गले से जंजीर खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी हॉस्टिटलर एलाइजा के पास जाके उसको जंजीर खोलने की चाबी देता है, मगर एलाइजा हॉस्टिटलर को देखकर डर जाती है। फिर हॉस्टिटलर के बहुत कहने पर एलाइजा उस पर भरोसा करती है और चाबी ले लेती है। दरअसल डॉक्टर हॉस्टिटलर एक अच्छा आदमी होता है, इसलिए वो भी जीव को बचाना चाहता है और उस अनजान आदमी के हवाले भी नहीं करना चाहता है, इसलिए एलाइजा का साथ देता है उस जीव को बाहर निकालने में। फिर उस जीप को एक ट्रॉली में अच्छे से छुपाकर बाहर जाती है। इधर जेल्डा घर जाने के लिए एलाइजा के लिए रुकती है। तभी जेल्डा को एलाइजा पे शक होती है और वो एलाइजा के पास जाकर उसे ये सब करने से मना करती है। तभी चाइल्ड गाड़ी लेकर लैब में आता है और गार्ड को अपनी बनाई हुई नकली आईडी दिखाता है। इधर एसलैंड सीसीटीवी पर देखता है उसी गाड़ी को जो चाइल्ड लेकर आया, जिससे एसलैंड को शक होता है और वो गार्ड के पास फोन करता है, मगर गार्ड फोन नहीं उठाता, इसलिए एसलैंड गाड़ी को रोकने के लिए खुद ही वहां भागकर जाता है। इधर गार्ड को भी नकली आईडी के बारे में पता चल जाता है और वो चाइल्ड को बंदूक दिखाकर गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी हॉस्टिटलर पीछे से आकर गार्ड को बेहोश कर देता है। ये सब देखकर जेल्डा भी मदद करती है। फिर चाइल्ड उस जीप को गाड़ी में लेकर वहां से भागता है और एसलैंड पीछे से उन पर गोली चलाता है, मगर उनको नहीं रोक पाता। तभी एसलैंड उसी कमरे में जाता है जहां उसने जीप को रखा था, तो जाके देखता है वो जीप वहां नहीं होता, जिससे एसलैंड को बहुत गुस्सा आता है। इधर एलाइजा और चाइल्ड उस जीप को अपने घर में लेकर आते हैं और नहाने के टब में उसको रखते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर एलाइजा एक तालाब को देखती है जहां वो जीव को कुछ दिन बाद आजाद करना चाहती है। फिर एलाइजा और जेल्डा दूसरी रात काम पर जाकर देखते हैं कि एसलैंड सब लोगों से पूछताछ कर रहा है, जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी एसलैंड एलाइजा और जेल्डा को बुलाता है और उन दोनों से जीव को लेकर जाने वाले के बारे में पूछताछ करता है, क्योंकि एसलैंड नहीं जानता कि आखिर जीव को ले कौन गया। तो दोनों एसलैंड से कहते हैं कि हम दोनों को कुछ भी नहीं पता। फिर एसलैंड दोनों को जाने के लिए कहता है
और फिर डॉक्टर हॉस्टेटर से पूछताछ करता है, मगर एस्लेंट को कुछ भी पता नहीं चलता। इधर घर पर चार्ज उस जीप का फोटो बनाते बनाते सो जाता है। फिर वो जीप बाहर जाके चार्ज की बिल्ली को खाता है। फिर चार्ज उठकर उस जीप के पास जाता है और उसे ऐसे करने से मना करता है, जिससे वो जीप डरकर घर से बाहर भाग जाता है और चार्ज के हाथ में खरोंच लग जाता है। फिर एलाइजा घर आती है और चार्ज के हाथों में खरोंच देखकर बहुत डर जाती है, मगर चार्ज एलाइजा से कहता है कि मेरी चिंता मत करो, उस जीप को ढूंढो। तो एलाइजा उस जीप को ढूंढने जाती है और उसे वो जीप मिल भी जाती है। तो एलाइजा उसे वापस लेकर आती है और चार्ज के हाथों पर मरहम पट्टी करती है। तभी वो जीप चार्ज का हाथ पकड़कर इशारों से माफी मांगता है और फिर एलाइजा उस जीप को टप में छोड़ने जाती है। तो वो जीप अब एलाइजा से प्यार करना चाहता है, लेकिन एलाइजा वहां से बाहर आ जाती है और बहुत देर सोचने के बाद उस जीप के पास जाती है और प्यार करना चालू कर देती है, जिससे एलाइजा बहुत खुश हो जाती है और काम पर जाके जेल्डा को सब कुछ बताती है जो एलाइजा ने जीप के साथ किया था। फिर एलाइजा घर आके फिर से जीप के साथ प्यार करती है। तभी चाइल्ड जाके देख लेता है, मगर दोनों को परेशान नहीं करता है। फिर एलाइजा थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो चार्ज खुश होकर एलाइजा से कहता है कि इस जीप के अंदर शक्ति है, इसने मेरे सिर के बाल उगा दिए और हाथ के खरोंच को भी ठीक कर दिया। इधर एसलैंड के पास जनरल ऑफिसर आता है और एसलैंड को 36 घंटे का टाइम देता है उस जीप को फिर से पकड़कर लेके आने का, नहीं तो एसलैंड को काम छोड़ना पड़ेगा, जिससे एसलैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर डॉक्टर हॉस्टेटलर का जासूसी करता है, क्योंकि उसी पर एसलैंड को ज़्यादा शक होता है। और इधर डॉक्टर हॉस्टेटलर उसी अनजान आदमी से मिलने जाता है और उस अनजान आदमी को अब हॉस्टेटलर का गद्दारी के बारे में पता चल गया होता है, क्योंकि हॉस्टेटलर ने उस जीप को इस आदमी को देने का वादा किया था मगर नहीं दिया, जिससे अनजान आदमी हॉस्टेटलर पर गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ एसलैंड आ जाता है और उन दोनों अनजान आदमी को गोली मार देता है और फिर हॉस्टेटलर के पास जाता है और हॉस्टेटलर को बहुत टॉर्चर करता है और उसे जीप के बारे में पूछता है। फिर हॉस्टेटलर को बताना पड़ता है, क्योंकि हॉस्टेटलर अब और दर्द सहन नहीं कर पा रहा। तो हॉस्टेटलर एलाइजा और जेल्डा का नाम बता देता है। फिर एसलैंड पहले जेल्डा के घर पर जाता है और जेल्डा को जान से मारने की धमकी देता है और जीप के बारे में पूछता है, लेकिन जेल्डा कुछ भी नहीं बताता है। मगर जेल्डा का पति एसलैंड को सब बता देता है कि वो जीप एलाइजा के घर पर है। फिर एसलैंड यहाँ से एलाइजा के घर पर जाता है और फिर जेल्डा अपने पति को बहुत सुनाती है और एलाइजा को फोन करके एसलैंड के आने के बारे में बता देती है। फिर एलाइजा और चाइज उस जीप को नदी में छोड़ने के लिए चले जाते हैं। इधर एसलैंड एलाइजा के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। तभी एसलैंड को वही कैलेंडर दिख जाता है जिसमें एलाइजा ने जीप को छोड़ने की तारीख और पता लिखा था, जिसे देखकर एसलैंड उनके पीछे जाता है। इधर एलाइजा और चार्ल्स उस जीप से आखिरी बार मिलते हैं और उसको जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहां एसलैंड आ जाता है और चार्ल्स को गुस्सा मारकर बेहोश कर देता है और उस जीप को और एलाइजा को गोली मार देता है, जिससे दोनों मर जाते हैं। फिर चार्ल्स उठकर एसलैंड को एक डंडे से मारता है, जिससे एसलैंड भी बेहोश हो जाता है। फिर चार्ल्स दोनों के पास जाता है और तभी वो जीप भी जिंदा हो जाता है और तब तक एसलैंड भी उड़ जाता है और बंदूक में गोली डालने लगता है। फिर वो जीप एसलैंड के पास जाता है और अपने नाखून से एसलैंड का गला काट देता है, जिससे एसलैंड की मृत्यु हो जाती है। और तभी वहाँ जेल्डा भी पुलिस को लेकर आ जाती है। फिर वो जीप एलाइजा को उठाकर पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर जाके एलाइजा को जिंदा कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।